पता ही है, ये जो इमेज दिख रहा है इसमें टोटल कितना स्क्वायर है हम बता देते हैं, टोटल 14 स्क्वायर है। तो कैसे किया है देखिए, जब भी आपको ऐसा इमेज दिखाई देगा ना, तो उसका पहले रो और कॉलम मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा रो है R1, R2, R3, और ये नीचे वाला पोर्शन हमारा कॉलम है C1, C2, C3। तो अभी क्या करना है, ये लास्ट वाला पोर्शन के साथ लास्ट वाला पोर्शन मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3, और वो सबको जोड़ दीजिए ऐसे, 2 × 2 प्लस 1 × 1। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आ जाएगा, 9 + 4 + 1 इक्वल टू कितना हो गया है टोटल 14। तो इमेज में टोटल 14 स्क्वायर है। ओके, ऐसे ही मस्त ट्रिक सीखने के लिए हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स फॉर ITI कैंडिडेट, इसके साथ जुड़े रहिए। हम रेगुलर आपको ऐसे एक ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड टाइम। हम अभी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए मैथ कर रहे हैं, हम जल्दी ही रीजनिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एट 6 AM एंड रीच एट क्यू पॉइंट एट 12 PM। अनदर मैन स्टार्ट फ्रॉम क्यू पॉइंट एट 7 AM एंड रीच एट पी पॉइंट टू 10 AM, व्हेन विल दे मीट। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तो हमें समझने में आसान होगा। दो पॉइंट कहा गया है, एक पी और एक क्यू, ये हमारा बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि पहला वाला जो आदमी है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट कर रहा है और फिनिश कर रहा है दोपहर को 12 बजे, मतलब टोटल 6 आवर वो ट्रैवल कर रहा है। दोपहर को 12 बजे ख़त्म कर रहा है और शुरू किया था 6 बजे, तो टोटल 6 आवर वो ट्रैवल कर रहा है। और दूसरा आदमी जो है, दूसरा आदमी सुबह 7 बजे शुरू किया और ख़त्म किया 10 AM को, तो 10 AM - 7 तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए सेम डिस्टेंस है, पहला वाला आदमी 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है और वही दूसरा वाला आदमी 3 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला आदमी का जो स्पीड है वो पहले वाला का डबल है। तो पहले वाला का स्पीड अगर हम x मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू x किमी पर आवर, तो पहला वाला का अगर 1 किलोमीटर पर आवर आएगा तो दूसरा वाला आदमी का कितना आएगा, स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन 2x किलोमीटर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे वाला को डबल आ जाएगा स्पीड। तो अभी देखिए हम मान लेते हैं कि पहला वाला आदमी जर्नी स्टार्ट करने के y घंटे के बाद दोनों एक साथ मीट करेंगे, ठीक है, आफ्टर y आवर ऑफ द जर्नी स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन दे विल मीट। देखिए आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, दे विल मीट। तो देखिए y घंटे के बाद जब मुलाकात होगा तो y घंटे में पहला वाला आदमी कितना जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट पर्सन। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर, और टाइम क्या है, y आवर्स। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे xy, है ना। अभी देखिए डिस्टेंस ट्रैवल
बाई सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का कितना डिस्टेंस आएगा, पहले हम सेकेंड पर्सन का टाइम निकाल लेते हैं। देखिए हम कहा कि पहले वाला आदमी जर्नी स्टार्ट करने के वाई घंटे बाद मुलाकात होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि वाई घंटे में पहले वाला आदमी यहाँ तक आ गया है। ओके, ग्राफ में देखिए यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स वाई। और दूसरा वाला आदमी देखिए सुबह 7 बजे शुरू किया था, सुबह 7 बजे मतलब पहले वाला आदमी का 1 घंटा बाद, तो वही वाई घंटे में वो दूसरा वाला आदमी कितना टाइम के लिए ट्रैवल करेगा, वाई माइनस वन आवर्स के लिए, है ना, क्योंकि 1 घंटा बाद शुरू कर रहा है। तो वाई माइनस वन आवर में वो दूसरा वाला आदमी कितना आएगा, दूसरा वाला आदमी का स्पीड क्या है, टू एक्स, टू एक्स इंटू वाई माइनस वन, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा दूसरा वाला आदमी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह सकते हैं 2x इंटू वाई माइनस वन। ओके, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x इंटू वाई माइनस वन। तो इतना दूरिया, इतने दूरिया दूसरे वाला आदमी 3 घंटे में कवर किया था, देखिए 3 घंटे में कवर किया था। तो अभी टोटल डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम था दूसरा आदमी का 3 आवर्स, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा वाला आदमी का स्पीड। दूसरा वाला आदमी का स्पीड कितना था, 2x। आप लोग इसको पहले वाला आदमी के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसे टोटल 6 से डिवाइड करके इक्वल टू x भी बना सकते थे, ठीक है, वो रिजल्ट एक ही आ जाएगा। तो देखिए हम पेज थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, y का वैल्यू हमें निकालना है। ये ऊपर वाला पोर्शन से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या रह जाएगा, y प्लस 2 इंटू वाई माइनस वन, और 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, 6x आ जाएगा, दोनों तरफ x x कैंसिल। तो अभी देखिए y प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 2 इक्वल टू 6, 2y प्लस y 3y, ये 2 को इस तरफ ले आते हैं हम, तो 6 प्लस 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/3। देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, 8/3, है ना। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 2/3 आवर्स, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि पहला वाला आदमी का जर्नी स्टार्ट करने के 2 2/3 आवर्स बाद वो दोनों एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा एक व्यूअर्स, एक शाहजहान नाम का व्यूअर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, ये बस रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर, एंड ए ट्रेन रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल 280 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमारा स्पीड दिया गया है बस का 3 घंटे में 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो बस 3 घंटे में 180 ट्रैवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 180/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। और दूसरा क्या है, ट्रेन, ट्रेन 280 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 70। अभी ये दोनों का रेशियो हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 60:70 इक्वल टू 6:7। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है, डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस 120 किलोमीटर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन 2 आवर्स लेस टाइम रिक्वायर्ड देन बाय बस, स्पीड ऑफ बस इज 2 किलोमीटर पर आवर लेस देन ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। तो क्या कहा गया है, देखिए दोनों जगह है जिसका दूरिया है 120 किलोमीटर, ओके,
तो उस जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाने से ट्रेन में 2 घंटा कम लगता है बस से, और बस का स्पीड ट्रेन से 2 किलोमीटर कम है, तो हमें बस का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले एज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ बस इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा, देखिए ट्रेन का कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू, क्योंकि बस का स्पीड ट्रेन से 2 किलोमीटर कम है, तो ट्रेन का 2 किलोमीटर ज्यादा होगा, एक्स प्लस 2 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। तो अभी देखिए 120 किलोमीटर बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बस का टाइम लगेगा 120 बाई एक्स, और ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, 120 बाई एक्स प्लस 2। तो अभी देखिए ये दोनों का अंतर कहा गया है क्वेश्चन में 2 घंटा, तो बस से ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन में कम टाइम लगेगा, तो मतलब ये ज़्यादा है हमारा, एक कम है ना। बड़े वाला डिजिट से हम छोटे वाला डिजिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों का टाइम अंतर है 2 घंटा। तो अभी देखिए हम कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 120 को कॉमन ले लीजिए, इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स, इधर 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, इधर 60 आ जाएगा, इस तरफ 1 आ जाएगा, 60 इंटू ये एलसीएम निकाल लीजिए इसका, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2 से 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 बाई नीचे कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। हम इस तरफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 से अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 120। 120 को इस तरफ ले आइए, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10x। ये मिडिल टर्म आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो वीडियो में कॉमेंट कीजिए, हम दिखा देंगे आपको डिटेल्स में। ठीक है, 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0, एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दिया। अभी x कॉमन ले लीजिए, पहले दो टर्म से x कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, x प्लस 12 और इधर माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों टर्म से x प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए ये दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इस तरफ आ जाते हैं, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 आएगा, या तो फिर एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 12 और इधर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 10। तो स्पीड हमारा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये दूसरा वाला जो है एक्स इक्वल टू 10, ये आ जाएगा हमारा बस का स्पीड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस आज इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा चैनल का वीडियो देखते रहना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स फॉर आईटीआई कैंडिडेट, इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल में हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए हर रोज वीडियो डालते रहते हैं और आईटीआई सिलेबस को भी कवर करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।